नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। खबर अनूपपुर से। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में जय आदिवासी युवा शक्ति सामाजिक संगठन के द्वारा आदिवासियों के हित में बनाए गए कानून पांचवी अनुसूची को लगातार धरातल तक पहुंचाने के लिए एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मनावर के विधायक और आदिवासी समाज के नेता हीरालाल अलावा शामिल हुए। इस मौके पर विधायक और जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल अलावा ने कहा कि पांचवी अनुसूची को मध्य प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर लागू कराने की कोशिश मध्य प्रदेश की सरकार करेगी और अगर आदिवासियों के हित में लापरवाही बरती गई तो वे खुद आदिवासियों की लड़ाई लड़ेंगे। इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि मेहरा समाज को आदिवासी समाज का एक प्रमुख हिस्सा माना जाना चाहिए, लेकिन उसे अनुसूचित जाति में शामिल किया गया, जिसको लेकर वे लड़ाई लड़ते रहेंगे। सबसे यहाँ के प्रमुख मांगे थे कि यहाँ की जो क्रेशर की यहाँ पर मशीनें चल रही, इनका कहना है कि बाहरी लोगों ने आके पांचवी अनुसूची और पैसा कानून का उल्लंघन कर अवैध रूप से यहाँ पे आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करके रखा है और जल्द से जल्द उनका कब्जा छुड़ा है। दूसरी इनकी प्रमुख मांगे थी कि यहाँ पे क्षेत्र में शिक्षा का एक बड़ा सेंटर होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे जो भी CSR का फंड है, यहाँ पे जो भी कोल माइंस से जो भी प्रोजेक्ट जो बॉक्साइट खनन माइनिंग चल रही है, उस फंड से यहाँ पे अच्छी शिक्षा के सेंटर के लिए एजुकेशन सेंटर होना चाहिए और एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए।